नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना बीप न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से। सिविल लाइन थाना इलाके के जोरा रोड पर सवारियों से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, 11 अन्य घायल हो गए। एक गंभीर घायल को ग्वालियर रेफर किया गया। मुरैना से जोरा जा रही सवारी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक की मौत और 11 घायल हुए। चालक द्वारा गाड़ी को तेजी व लापरवाही के साथ चलाया जा रहा था। हादसे की खबर के बाद मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना स्टाफ के ने घायलों को नीला अस्पताल पहुंचाया, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई गई, जिसे ग्वालियर रेफर किया गया। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए मुरैना से सोनू सिकरवार की रिपोर्ट। क्या मामला? इसमें एक पिकअप आ रही थी जिसमें कुछ सवारियां भी बैठी थी। मुगावली के पास ड्राइवर की रफ्तार से था, वो आने से धोखे गाड़ी पकड़ गई, जिसमें 11 लोग घायल हो गए हैं और एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये गाड़ी कहाँ से कहाँ आ रही थी और इसमें कितने लोग सवार थे? कैसे पलट गई गाड़ी? सामने से गाड़ी आ रही थी, बाइक और प्रेम सिंह जी, गाड़ी कहाँ से कहाँ आ रही थी और कहाँ लोग जा रहे थे? सर, लोहमठ से मुरैना गाड़ी आ रही थी और कहाँ है कुछ मचकुंड से रहे, मचकुंड जा रहे थे और कुछ बीच में जो लड़के खड़े थे, चक्कर है रोज रामद्वार होती थी हमारी, वो चक्कर में कुछ।